आज के वीडियो में आपको लता मंगेशकर को ट्रिब्यूट देने के समय शाहरुख खान का उन पर थूकने के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लता मंगेशकर अब हम सब में नहीं रही और उनकी लास्ट राइट्स पर उन्हें ट्रिब्यूट देने जहां प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद आए, वहां बहुत से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी उनको ट्रिब्यूट देने आए। शाहरुख खान भी उन्हीं में से एक सेलिब्रिटी थे। शाहरुख खान भी लता दी को ट्रिब्यूट देने आए और अब उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें उन पर लता दी पर थूकने का आरोप लगाया जा रहा है। ट्विटर पर बहुत से यूजर्स उन पर थूकने का आरोप लगा रहे हैं और उन्हें बहुत बुरी तरह स्लैम किया जा रहा है और उन्हें बातें सुनाई जा रही हैं। बट ऐसा नहीं है, शाहरुख खान ने लता दी पर थूका नहीं है। एज ये कोविड टाइम है और सबने ही मास्क पहन रखे थे, तो शाहरुख खान ने लता दी को ट्रिब्यूट देने के बाद उनके पास खड़े होकर उनके लिए दुआ की। आप देख सकते हैं कि शाहरुख खान उनके लिए दुआ कर रहे हैं और फिर मास्क हटाकर लता दी पर फूंक मारी थी। मुस्लिम धर्म में दुआ करने के बाद इस तरह से फूंक मारते हैं और ये उनका धर्म है। शाहरुख खान मुस्लिम है और उन्होंने सिर्फ अपने धर्म के हिसाब से दुआ मांग कर फूंक मारी है। और शाहरुख खान ने मास्क हटाकर फूंक मारी तो नेटिजन्स को लगा कि वो थूक फेंक रहे हैं और उनका इस तरह से करना उनके लिए कई मुश्किलात खड़ी कर गया है। शाहरुख खान हर किसी के रिस्पेक्ट करते हैं और सभी जानते हैं कि शाहरुख खान इस तरह से नहीं कर सकते और वो ऐसा करने का सोच भी नहीं सकते हैं। जहां कुछ नेटिजन्स शाहरुख खान पर थूकने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं कुछ उन्हें डिफेंड भी करते नजर आ रहे हैं और इस सब को एक्सप्लेन भी किया जा रहा है। बट बहुत से नेटिजन शाहरुख खान के इस तरह करने पर खुश नहीं हैं और उनके इस तरह से करने पर उन्हें बहुत ज्यादा बातें सुनाई जा रही हैं। आपको क्या लगता है कि शाहरुख खान पर लगा ये आरोप ठीक है या गलत? हमें कमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।